गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यू ऑल आवर बीडीएसटी डिजिटल स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मायसेल्फ विनय शुक्ला एंड दिस इज क्लास 6 एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन फ्रैक्शन। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको दो से तीन वीडियो शायद इसे चैप्टर के मैंने इसके पहले भी आपको बना करके दिया है बेटा, जिसमें आपको सारे फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, उसके एग्जांपल भी मैंने लिए उसके जरिए आपको बताए। तो बच्चों आज हम जिस टॉपिक के साथ हम फ्रैक्शन के वो नियर अबाउट 7.3 और 7.4 चैप्टर को सॉल्व करने में बड़ा ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, इस वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं। और बच्चों जितनी भी आप बना रहे हैं और नोट्स या जितनी भी एक्सरसाइज आप कर चुके हो बेटा, आप सब उसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजिए ताकि मैं उसे चेक करूं, तभी तो पता लगेगा कि आप सब घर में बैठ के अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक बच्चों, चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो पहला टॉपिक है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? तो लाइक फ्रैक्शन को जानने से पहले आप पहले से ही क्लियर जानते हो कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है इट इज अ पार्ट ऑफ होल, किसी एक चीज का पार्ट होता है होगा। तो जैसे आपका यहाँ नंबर एक है 2/5 सपोज कर लीजिए, दिस इज न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर है। इसको तो आप पहले से जानते होंगे, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको जब इसकी सबसे स्टार्टिंग वीडियो था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 2/5 में जो हमारा 2 है वो न्यूमरेटर होगा और डी क्या होगा? डिनोमिनेटर। अगर आप इसको अच्छे से जानते हैं तो आपको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को आपको समझने में इजी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूं 8 and 2/5 and 3/5। अब आप यहां पर जो कंक्लूजन आप देख रहे हैं वो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन का आपको इसी एक एग्जांपल में प्रूव है। व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम, व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम दिस इज लाइक फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन। और जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो वो क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन। तो आप यहां देख रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर 5 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 5 है, इसलिए दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म्स। अगर सपोज इसके डिनोमिनेटर सेम ना होते, कुछ और होते, तो क्या होता? वो अनलाइक फ्रैक्शन होता। इजीली आपको समझ में आ गया होगा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कंडीशंस को आप अच्छे से यहां से समझ गए होंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार कि व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, व्हेन द डिनोमिनेटर आर नॉट सेम कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इजी, ओके। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसके हम सॉल्व करते हैं। आगे कौन सी टॉपिक है? आपने लाइक और अनलाइक अच्छे से समझ लिया है। अब यहां पर उसी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को जानने के बाद एक क्वेश्चन हम लेते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है कि विच इज ग्रेटर, और ये देखिए 8 and 8 लाइक टर्म्स हो गया, ओके। कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा ग्रेटर है? हाउ वी नो दैट विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है? तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से एक ट्रिक समझ लें, जान लें, हमेशा के लिए बड़ा इजी है। आप जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो या कहने का मतलब अगर वो लाइक टर्म हो तो आप ये देखें कि इसके न्यूमरेटर में कौन सा ग्रेटर है। 5 ग्रेट है, बड़ा है कि 3, तो नेचुरल से हम कहेंगे कि 5 इज ग्रेटर। तो सो क्या लिखेंगे? 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8।
कितना इजी हुआ लाइक टर्म को जानने के बाद, अगर लाइक टर्म हो तो। अब यहां हम देखते हैं क्वेश्चन, अब विच इज ग्रेटर, यहां एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं बेटा, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हुआ, मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं फिर आपको बताता हूं क्या बताना है आपको। जैसे मैं लेता हूं क्वेश्चन 5/3 एंड दूसरा क्वेश्चन लेता हूं 5/2, सपोज दैट। अब हम इसमें से आपसे पूछे कौन सा ग्रेटर है, तो आप कहोगे कि सर इसमें तो डिनोमिनेटर सेम था, इसमें क्या है न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सेम होने पर आपने भी कोई कंडीशन नहीं बताई है, इसको तो आपने बता दिया कि विच इज ग्रेटर, आप उसको ग्रेटर कर देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मामला अच्छा है, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, अब किसका है, किसका कितना नेगेटिव है, ये कितना 3, वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। बहुत सिंपल है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो सो ये 5/2 इज ग्रेटर देन 5/3। अब आपको इसको अच्छे से कह सकते समझ सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का अनलाइक टर्म्स ही है। अब यहां पर हुआ क्या कि ऊपर यहां न्यूमरेटर मैंने सेम लिख दिए, और जब न्यूमरेटर मैंने सेम लिख दिए तो आपको समझना होगा कि कैसे हम डायरेक्ट इसको बता सकते हैं विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर। अब यहां हम ग्रेटर पूछ रहे हैं, तो आप देखें कि जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर हो, क्या हो, जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर इन अनलाइक फ्रैक्शन, ये इसका स्मॉल कॉन्सेप्ट। अब यहां असेंडिंग ऑर्डर में लेना है हमको, असेंडिंग ऑर्डर में इसको देखिए तो आपको नजर आएगा कि 1 1 1 1 1 1 1 इट्स मींस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इससे। अब जब न्यूमरेटर सेम हो गया तो इसको इसके नीचे जो हमारे जो नंबर्स हैं उस नंबर्स में आपको असेंडिंग ऑर्डर्स की तरफ जब ले जाना होगा इस नंबर्स को, तो आप इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे छोटी जो नंबर होगी वो सबसे बड़ी होगी, फ्रैक्शन होगी जो सबसे स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में क्या होगी, बड़ी होगी। सो अब आप देखें ये पहला 1/7 सबसे पहले से इट इज असेंडिंग ऑर्डर। आप असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हो, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, ओके असेंडिंग में छोटे से बड़ा, लेकिन यहां तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा। जो सबसे बड़ा नंबर है जो यहाँ जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर में नंबर जो फ्रैक्शन है हमारा, वही सबसे क्या होगा यहां पर, छोटा होगा। और असेंडिंग में हम लोग छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, ओके। तो यहां पर सबसे 150 ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद 50 के बाद 23 सेकंड पे हो गया, फिर आपका 50 हो गया, 23 हो गया, अब 5, 12, 59, 73 हो जाएगा थर्ड पर। अब आप और ध्यान से देखें तो 17, 17 फिर 12, फोर्थ सबसे 12 बाद 9 फिर उसके बाद 5 बोलो। इस तरीके से मैंने नंबरिंग करके आपको ये बताया कि पहले सबसे जो असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे कहते हैं कि जो सबसे बड़ी असेंडिंग ऑर्डर
छोटी होगी, और सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर इन फ्रैक्शन, स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर इन फ्रैक्शन। ओके, तो वहां मैंने इसी को उसी टर्म में लगा दिया, जो 150 जो होगा वो जो पहले होगा, उसके बाद इस नंबर उसको देखते चले जाएंगे, आप इजीली इसको अंडरस्टूड हो जाएंगे। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो आपके एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा पूछा गया, मैं इसको रफ करूं। ओके, हम यहां देखते हैं कि कंपेयर 4/5 एंड 5/6। इसको कंपेयर करना, कंपेयर मतलब कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, या कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द 5 and 6। एलसीएम ऑफ 5 6, अब 5 6 का जब एलसीएम लेंगे, ओके, 5 = 30, तो इनका एलसीएम कितना है बच्चों, 30। अब आप यहां इस नंबर में किससे कितने, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 6 से, और जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वल किसके आए एलसीएम के, उसी नंबर का ऊपर नीचे पूरा कर लीजिए सेम नंबर से, तो 4 = 24 and 5 = 30, ये आपका पहला हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 5/6, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से 5 हो जाएगा, देखिए 25/30, सिंपल। ओके, इसके डिनोमिनेटर से हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे उसका एलसीएम आ जाए, तो यहां पर 5 से 30 आ गया, 30 यहां भी आ गया। अभी अब हो गया ये कैसे, लाइफ टर्म्स, अब जब लाइफ टर्म्स हो गए तो 25 क्या है, 24 से बड़ा है, क्योंकि 5/6 इज ग्रेटर देन 4/5। ओके, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5/6 and 30/15। ओके, चलिए इसको रफ करें, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से, तो 5/6 30 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 25/30 तो ऐसे मैच देखो, एंड नेक्स्ट इज 13/15, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम तो बराबर आ जाएगा, 26/30 सेम, कौन सी बड़ी हुई 26 क्या हो गई, ये बड़ी हो गई, तो 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6, ये आपका क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होता है। अब आप बहुत आसानी के साथ फ्रैक्शन के ग्रेटर और स्मॉलर कॉन्सेप्ट को इजीली आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इसको रब करो बेटे, वेरी गुड, माय लास्ट क्वेश्चन इज 4/5 = 16/20, 4/5 = 16/20, क्या ये सही है, इट इज करेक्ट, तो आप इसको नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना शुरू करेंगे, तो ये 4/4 and 4/5 आएगा। अब देखिए 4/5 ये भी है, 4/5 ये भी है, इक्वल फ्रैक्शन है, तो इसका कंडीशन यस में आ जाएगा,
ओके। दूसरे में आप ये देखेंगे कि 9/16 इक्वल टू 5/9, इसमें कौन सी क्या होगी, इज इक्वल टू 5/9, ये क्या इक्वल है चेक करेंगे। अभी दिस इज द आई थिंक यू वेरी नो दैट दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस इज आल्सो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सो दे आर लुकिंग इन अनइक्वल फॉर्म, बिल्कुल नहीं इक्वल होंगे, ये क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके सिंपलेस्ट फॉर्म आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्वल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो आपकी एक्सरसाइज में दिए, आप उन्हें लगाएंगे, पीडीएफ में मैं सब आपको सॉल्व करके भेजता भी हूं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। बेटा मालूम है आप दूर हैं, हम दूर हैं, फिर भी कोशिश करेंगे तो जीत जरूर मिलेगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।